खबर मध्य प्रदेश की है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान के बाद आज 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर जाती दिखाई देती नजर आ रही है। आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमरिया से प्रवीण तिवारी। प्रवीण, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त उमरिया जिले में और किस तरह से प्रत्याशी और उनकी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है? जी मैडम, आपको बता दें कि जैसे कि देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर चुनाव के बाद आज जो है मतगणना का क्रम जारी है। और आपको बता दें सुबह 8 बजे से जो है कि पूरे मध्य प्रदेश में मतगणना जारी है, जिसमें बीजेपी आगे चल रही है, बहुमत के करीब है। तो वहीं बात करें हम जो है कि हम बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा बांधवगढ़ और मानपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है भी बांधवगढ़ की बात करें तो ये 8वां राउंड है। लगातार 13,000 मतों से लगभग जो है कि शिव नारायण सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें मानपुर विधानसभा सीट की, तो वहां पर जो है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, मंत्री मीना सिंह जी जो रही हैं, वो वर्तमान में जो है वो प्रत्याशी हैं। और वो जो है कि तीसरे राउंड तक कांग्रेस आगे चल रही थी वहां पर, लेकिन जैसे ही चौथे राउंड का जो है कि परिणाम आया है चुनाव का, उसके बाद से 428 वोटों से मीना सिंह जी आगे चल रही है। जी प्रवीण, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें 3 राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी जो है भारी बहुमत से आगे है, तो और तेलंगाना में जो अभी तक है कांग्रेस का दबदबा ज्यादा बना हुआ है। जी जैसे कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कि ये हम बात करें यदि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यदि जो बढ़त बंद ही कहीं ना कहीं जो लाडली बहना था जो फैक्टर चला था, ये बीजेपी से जो एक फैक्टर लाया था लाडली बहना का, कहेंगे लाडली बहना का जो फैक्टर था बीजेपी को प्लस में लाया, बीजेपी को बढ़त बनाने के लिए यदि कोई जो है कि इनका गणित यदि पास हुआ है, तो कहेंगे लाडली बहना जो योजना था उस पर जो है उससे कहीं कहीं भाजपा को काफी जो है बढ़त मिल रही है। जी प्रवीण, मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से जैसे बीजेपी 161 पर है, कांग्रेस 67 पर है, राजस्थान की बात करें 199 पे है, बीजेपी 110 और कांग्रेस 73 पर है। 3 राज्यों में अगर देखा जाए तो बीजेपी इस वक्त आगे बनी हुई है, तो जैसे कि कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उसका ज्यादा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसमें पुरुषों से ज्यादा इसमें महिलाओं का जो मत का प्रयोग ज्यादा हुआ था, तो क्या बहनों का आशीर्वाद फिर से शिवराज पर बरसेगा? जी बिल्कुल निश्चित, कहीं ना कहीं जो है कि जो अभी आपने बात किया प्रियां सिंह जी की लाडली बहना योजना का, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बहनों का इनका आशीर्वाद था, उन्होंने कह रहा था जो बहनों ने हमें आशीर्वाद दिया है, बहनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है और वो आशीर्वाद से हम जीतेंगे, पूर्ण बहुमत के पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बहनों का आशीर्वाद था वो शिवराज सिंह जी के ऊपर बना हुआ है लगातार। और इस बार सबसे खास बात यह देखी गई कि जो महिला वोटर थी, कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट ज्यादा हुआ था, इससे जो है कि साफ जाहिर हो गया था कि कहीं ना कहीं लाडली बहना का ही असर है कि बहनों ने ज्यादा वोट दिया है, महिलाओं का वोट ज्यादा इस बार बढ़ा है। जी जी प्रवीण, रुझान के हिसाब से देखिए तो हर जगह बीजेपी आ गया है, लेकिन रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, कभी भी फेरबदल की स्थिति आ सकती है, तो उसको लेकर टिप्पणी करना अभी सही नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी जो है 12:15 हो रहा है कहीं के बीच, क्योंकि अभी सभी जगह लगभग 8 से 10 राउंड ही अभी काउंटिंग हो पाई है, क्योंकि सभी जगह लगभग 20-22 की राउंड में मतगणना होनी है। तो कहेंगे अभी कुछ कहना हालांकि फिलहाल उचित नहीं होगा, लेकिन यदि अभी तक जो देखा गया है, अभी तक का जो काउंटिंग है, कहेंगे उसमें बीजेपी बढ़त बनाकर लगातार चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो इन तीनों राज्यों में अभी तक जो है बीजेपी ने लगातार बढ़त बना के रखी हुई है। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रवीण। धन्यवाद प्रवीण।